तो देख बच्चा, हम अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। ठीक है बेटा, उससे पहले वो देख लिया जाए, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन वाला, है ना। देख बेटा, टॉपिक हमारा है बेटा एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, यही चल रहा है हाँ पेन ठीक से यार, एक मिनट चेंज करता हूँ पेन, रुको। तो देख बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखा जाए। तो देख बच्चा, मान लिया जाए कि एक कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना बेटा, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में वो सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चा, यू मान बेटा कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, है ना, या रुको, पहले एक सर्किल ही मान लिया जाए। ठीक बच्चा, ये मान ले हमारा कोई सर्किल, है ना बच्चा, ये मान लिया जाए कोई सर्किल, है ना, और ये सर्किल के लिए बेटा ये हमारा मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और ये मैंने मान लिया बेटा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, है ना। तो ऐसा इमेजिन करो बच्चा कि कोई एक पार्टिकल है जो इस सर्किल पे यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चा, है ना। तो इमेजिन करो कि कोई एक पार्टिकल है बेटा, है ना, जो इस सर्किल में यू यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ऐसा मान लो तुम कि टी इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल हमारा इस जगह पे था, यहाँ एंगल हमारा है बेटा ये फाई, है ना, तो बताओ बेटा टी टाइम के बाद वो कितना आगे बढ़ जाएगा, बोलो बोलो। अगर ओमेगा एंगुलर टी वेलोसिटी ओमेगा है तो एंगल ओमेगा टी आगे बढ़ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही यस बात। सो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल हमें यहां मिलेगा बेटा टी सेकेंड के बाद, है ना, तो ये कितना एंगल हो गया बोलो, ओमेगा ओमेगा टी टी, है ना बेटा। अगर मैं उस पूरे एंगल को, अगर मैं उस पूरे एंगल को बोल दूं थीटा, है ना, इस पूरे एंगल को मैं बोल दूं बेटा अगर थीटा, तो बेटा कितना है बताओ, ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा प्लस टी प्लस फाइव फाइव, बिल्कुल सही। मान लेते हैं बेटा इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है ना। तो देख बेटा, इस वाले पार्टिकल का अगर मैं कहूं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखो, है ना, तो इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन कैसे बोलोगे बेटा, ऐसे बोलोगे ना, बोलो, ये हो गया बेटा वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन, बोलो, है ना। तो बोलो बेटा, अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो ये प्रोजेक्शन वाला पॉइंट किधर मूव कर रहा होगा, अभी की ऊपर की ओर जा रहा होगा बेटा, बोलो, है ना। देखो तरफ ध्यान से, जब ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये प्रोजेक्शन है ना, ये ऐसे बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे आएगा, बोलो, और यहाँ मिलेगा, बोलो। यस फिर सर देखो पार्टिकल सर वहां से आगे बढ़ेगा और प्रोजेक्शन यहाँ से नीचे आएगा, बोलो, फिर नीचे मान यस सर ऐसे, बोलो बेटा, है ना। यस फिर सर देखो ये पार्टिकल यहाँ नीचे आएगा, प्रोजेक्शन नीचे आएगा ऐसे, है ना। फिर देखो यहाँ से ये ऊपर जाएगा और प्रोजेक्शन इधर जाएगा, बोलो। ऊपर यस सर इसका मतलब पार्टिकल बेटा पूरा एक सर्किल लगा ले, है ना, तो इसका प्रोजेक्शन एक ओसिलेशन पूरा करेगा, बोलो बेटा, है यस मंजूर। ठीक है, तो बता तो बेटा, अगर मैं बोलू ये जो हमारा है बेटा डिस्प्लेसमेंट है वाई, है ना, तो बोलो तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, है ना बेटा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, है ना बेटा, वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो बताओ तो वाई डायरेक्शन में उसका कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, बोल तो बेटा, वाई 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 इज इक्वल टू कितना, आर साइन आर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन आर थीटा
प्लस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देख के बताओ तू ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा है कि नहीं? हेलो बेटा, ठीक है चलो हम मान लेते हैं कि हमें अभी भरोसा नहीं है इस पे, अभी हमें भरोसा नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। चलो बताओ कि अगर मैं बोलूं बेटा कि ये जो पॉइंट है बेटा वो इधर की ओर जा रहा है ना, तो इधर की स्पीड क्या कहोगे? जी कुल ओमेगा कहोगे ना, तो बोलो तो बेटा इसका प्रोजेक्शन वाला पॉइंट कैसे मूव कर रहा होगा अभी? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है ना बेटा। एक किस डायरेक्शन में है वेलोसिटी? py बोलो py, ठीक है बेटा। देख के बताना मुझे, ये एंगल थीटा था तो ये कितना एंगल होगा बोलो? थीटा होगा, थीटा होगा तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। तो अब बोलो बेटा ये कितना एंगल होगा? थीटा, थीटा होगा बेटा। तो उसका ऊपर में कम पॉइंट क्या होगा बोलो? r ओमेगा cos थीटा, r ओमेगा cos है ना। v is equal to vy equal to r ओमेगा cos थीटा, r ओमेगा cos थीटा। इसका मतलब इक्वल टू r ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस y। यस सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा आया कि नहीं आया? आ गया बच्चा, है ना। चलो हमें अभी भरोसा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं एक्सेलरेशन निकाल करके, है ना बेटा। तो बोलो तो ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा है बेटा, सॉरी सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो इसके किधर होगा एक्सेलरेशन बताओ? सेंटर की तरफ, है ना बेटा। तो देखो इसका अगर ऐसे हमारा एक्सेलरेशन है तो इसका किधर होगा एक्सेलरेशन? नीचे की ओर होगा ना बेटा। तो बोलो तो इसका एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या लिखोगे, नेगेटिव की पॉजिटिव? वाई तो ऊपर था ना पॉजिटिव, तो माइनस हो गया है। और इसका बेटा वाई कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा है ना। यस सर, और आर साइन थीटा इक्वल टू क्या था बोलो? वाई। तो देखो तो बेटा ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हुआ कि नहीं हुआ? Yes, अब हमें पूरा भरोसा हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है ना बेटा। तो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अगर तुम देखोगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, है ना बच्चा, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा बेटा वो क्या होगा? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, है ना। वही हमने साबित किया अभी, फटाफट लिखो इसको। हो गया सर? नहीं, हो गया सर। बाकी बच्चे भी कर लो। हो गया बच्चों? यस सर। तो देखते बच्चा हम लोगों ने जो सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को बोल दिया क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इस सर्कुलर मोशन के डायग्राम के अगर फिर से देखना बेटा, मिटा रहा हूं इसको। तो देख बेटा हम कहेंगे इस तरह से कि अगर कोई सर्किल सोचो, अगर कोई सर्किल सोचो, है ना बेटा, इस सर्किल का जो रेडियस होगा बेटा, है ना, वो इसका होगा एम्पलीट्यूड बोलो? यस सर, है ना बेटा, ठीक है। और जो टाइम इक्वल टू जीरो पे इनिशियल है जो इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस से
इनिशियल एंगल होगा बेटा, ये इनिशियल फेज है, बोलो है ना, और ये हमारा ऐसे घूम रहा होगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, बोलो है ना, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बोलो बेटा। यस सर, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये सर्किल को मैंने मिटा दिया, सर्किल को मैंने मिटा दिया, ठीक है बेटा, है ना, और ओमेगा को मैंने मिटा दिया, और बाकी जो बच गया ना बेटा, ठीक है, उसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया फेजर डायग्राम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बेटा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेजर डायग्राम कैसे बनता है, क्या कहोगे, जितना इसका एम्पलीट्यूड हो बेटा उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना दो, है ना बेटा, जो उसका इनिशियल फेज हो है ना उतने एंगल पे बना दो वेक्टर, है ना, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के बराबर हो, है ना बेटा, और जिसका डायरेक्शन इसके इनिशियल फेज के बराबर हो, ऐसा एक वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं, क्लियर बेटा, बात समझ गया, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज में, इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है बेटा, सुपर पोजिशन ऑफ SHM, है ना बेटा, सुपर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपर पोजिशन। सबसे पहले देखा जाए बेटा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, है ना, मैंने कहा लेट देयर आर टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, मान लिया दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, एक्स टू इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देख के बताओ क्या ये इक्वेशन लिख करके ये साबित हो रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैं दोनों लिखा ना बच्चा एक्स पे, यस सर, तो दोनों क्या है एक्स एक्सिस पे ही कर रहा है बच्चा ओसिलेट, है ना, यस सर, ठीक है बेटा, हम समझते हैं ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कोई पेंडुलम लटका हुआ है, कोई पेंडुलम लटका हुआ है उस पे एक फोर्स लगा दो, यस सर, हो जाएगा सुपर, बोलो है ना, हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, फिर रोक दो, फिर एक नया तरह का फोर्स लगाओ, एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट, यस सर, मैंने कहा बेटा जब दोनों फोर्स लग जाएगा एक साथ तो क्या हो गया, सुपर पोजिशन, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे बेटा कि पार्ट है ना, तो हम कहेंगे बेटा ऑन सुपर पोजिशन, ऑन सुपर पोजिशन, जब दोनों सुपर इम्पोज किए तो क्या कहें बताओ, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करें ना बच्चा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2, इसका मतलब बेटा a1 वन साइन ये बताओ कितने एम्पलीट्यूड का वेक्टर, a1 एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, ओमेगा टी, जीरो बच्चा, है ना, इनिशियल फेज था ना हमारा एंगल, ये कितने मैग्नीट्यूड का, A2 कितने एंगल पे, फाइव एंगल पे, ये रहा बच्चा A2, यस सर, ये रहा फाइव एंगल, बोलो, अब इन दोनों वेक्टर को वेक्टर मेथड में ऐड कर दो,
इसको वेक्टर मेथड में ऐड कर दो, हमें क्या ना क्या इन दोनों को ऐड करना है ना। तो हमने बेटा इसको वेक्टर मेथड में ऐड कर दिया, तो वेक्टर मेथड का एडिशन तो आता ही है हम लोग को, है ना बेटा। मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर जो आया, ये ए आया और यहां से डेल्टा एंगल पे आया, है ना। तो फॉर्मूला तो वेक्टर में पढ़ा था बेटा, वही है, ए इक्वल टू स्क्वायर रूट, बोलो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा कॉस पाई, है ना बेटा। और टेन डेल्टा का फॉर्मूला था बेटा ए टू साइन फाई A1 प्लस A2 cos phi, है ना बेटा, ठीक है। और क्या कह दिया कि जो रिजल्टेंट यहां से आया वो कितना आया, hence x equal to a sin omega t plus delta, ठीक है। क्या दिख रहा बेटा खास बात, सेम डायरेक्शन में है, यस सर, सेम फ्रीक्वेंसी का है, यस सर। रूल क्या बना, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो सेम फ्रीक्वेंसी के हों, जब सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करेंगे, है ना, तो उसी फ्रीक्वेंसी का एक नए एम्पलीट्यूड का एक नए इनिशियल फेज के साथ एक नया सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा, है ना। अच्छा ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, हो गया बच्चा। हाँ हो गया सर। एक पॉइंट लिख ले बच्चा, इफ two SHMs in same frequency, दोनों की same frequency हो, superimpose in same direction, एक ही direction में oscillate करते हुए superimpose हो, है ना बेटा, then resultant motion is a new simple harmonic motion, ठीक है बच्चा। resultant motion जो होगा वो एक नया simple harmonic motion होगा, ठीक है बेटा। question देखो,
बोलो तो बेटा फाइव साइन पाई टी प्लस 37 डिग्री सर. एनीबॉडी एल्स? सर एक मिनट सर. फाइव साइन पाई टी फाइव साइन पाई टी प्लस आगे देखो एंगल एंगल चेक करो बेटा एक बार. सो फाइव साइन पाई टी प्लस 37 डिग्री. पाई साइन 5 sin pi t plus 37 degree. Good. ये cos को sin में चेंज ही नहीं. Yes sir, 5 sin pi t plus 37. देखो बच्चा एक cos एक sin है ना, तो cos और sin में कितने का होता है phase difference? 5/2 का. इसको लिख देंगे बेटा 4 साइन पाई टी. इसे लिख देंगे बेटा 4 साइन पाई टी प्लस 5/2 है ना बेटा. तो एक का एम्पलीट्यूड 4 और एक का एम्पलीट्यूड 3 और दोनों के बीच का एंगल 90 है ना बच्चा. तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, ऐसे बन गया हमारा 4 एक्स में और नहीं नहीं हाँ ठीक है, और y में आ गया बच्चा 3 और दोनों का एंगल है 90 डिग्री. तो हमारा रिजल्टेंट जो बन जाएगा ये ऐसे बन जाएगा बेटा 5 का और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री. तो इक्वेशन हो गया 5 साइन ओमेगा t प्लस 37 डिग्री. ठीक है बेटा अगला सवाल देखो. There are three SHMs. तीन सिंपल हार्मोनिक मोशन है बेटा. क्या क्या है? X1 equal to 10 centimeter into sin pi t. दूसरा हमारा है बेटा 10 centimeter sin pi t. देखो cos पाई टी माइनस पाई बाय 6 है बेटा. और x3 हमारा है 10 सेंटीमीटर साइन नहीं भी कॉस ऑफ पाई टी प्लस पाई बाय 6. ठीक है बेटा. कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है बच्चा करो.
सर 20 साइन पाई अच्छा जी सर लिखते हैं बच्चा x equal to 10 इस बार बनेंगे तीन वेक्टर है ना बेटा अभी बनेंगे तीन वेक्टर और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम बोलो बेटा तीनों का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है बेटा देखो यस सर पहला हमारा 10 सेंटीमीटर साइन पाई टी कैसे बनेगा देखो दस सेंटीमीटर है ना बेटा दूसरा हमारा कितना देखो ये भी 10 सेंटीमीटर लेकिन लिखा है क्या cos पाई टी प्लस पाई बाय 6 क्या कर दोगे इसको चेंज करोगे ना बेटा साइन में करेंगे तो माइनस पाई बाय 6 में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा ना एंगल इसका मतलब ऐसे बनेगा बोलो 60 डिग्री एंगल बनेगा बेटा बोलो बेटा ठीक है ये भी 10 सेंटीमीटर ठीक और तीसरा भी हमारा कितने एंगल है बताओ 120 ये भी जगह बेटा 120 तो ये भी एंगल 60 हो गया बताओ ये बात समझ गए बच्चों तो तीनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है बेटा तो रिजल्टेंट जो हमारा है वो इसी लाइन लाइन पे आएगा बताओ आएगा ना जब तीन वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है बेटा और पहले और तीसरे का रिजल्टेंट दूसरे पे आएगा ना क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है यू ने कहेंगे बेटा ए रिजल्टेंट बोलो कितना हो जाएगा बोलो ए रिजल्टेंट इक्वल टू 10 प्लस 10 cos 60 इंटू 2 बोलो बेटा इसका मतलब 20 सेंटीमीटर बोलो बेटा होगा ठीक है और वो 60 डिग्री का एंगल है बेटा तो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाय 3 बोलो बेटा समझ गया लिख लो हो गया बच्चा यस सर तो देख बेटा ये था सुपरपोजिशन इन सेम डायरेक्शन मतलब सारा ऑसिलेशन बेटा एक्स एक्सिस की लॉन्गी था है ना अब चलो बात करें सुपरपोजिशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ठीक है बच्चा देखो तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो देखते बेटा एक ओसिलेशन एक्स में और एक ओसिलेशन वाई में है ना मान लिया लेट टू एस एच एम्स आर एक्स वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी ठीक है बेटा
और एक हो गया हमारा वाई, ये लिख दिया मैंने ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा। अब देखो तो जब इनको तुम सुपर इम्पोज करोगे बेटा, तो यहां तुम x प्लस वाई तो नहीं बोल सकते ना बच्चा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा। तो कैसे बोलना पड़ेगा हमें, r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, बोलो बेटा होगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो देखते बच्चा अगर मैं इसको पुट कर दूं, जस्ट क्या तस ए वन साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जे कैप, तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो एक्स में हमारा है और एक वाई में है बेटा, है ना। तो मैंने इसमें अलग अलग केस पे विचार किया। पहले केस की बात मैंने कही कि मैंने कहा कि मान लो अगर हमारा बेटा इनिशियल फेज इसका जीरो हो, अगर इनिशियल फेज का जीरो हो बेटा, दोनों का फेज बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए टू साइन ओमेगा टी जे कैप, बोलो बेटा होगा, ठीक है ना। अब देखते बच्चा यहां पे हम साइन ओमेगा टी कॉमन कर सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी कॉमन कर सकते हैं ना बेटा, तो ए वन आई प्लस ए टू जे इंटू साइन ओमेगा टी, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो बोलते बच्चा यू बोल सकता है क्या, आर वेक्टर इक्वल टू आर नॉट वेक्टर साइन ओमेगा टी, बोलो। और तुम देख के बताओ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, है ना बेटा। इसका ऑसिलेशन बताओ किस डायरेक्शन में था बेटा, एक्स डायरेक्शन में, एक्स में। इसका था कैसा बेटा, वाई में सर, वाई में। और रिजल्टेंट कैसा आया, तो कहोगे ऐसा वेक्टर, है ना। देखना बेटा ध्यान से, ये मान लो वाई एक्सिस बेटा और ये हमारा एक्स एक्सिस, है ना। एक पार्टिकल इस पे कर रहा था ऑसिलेट ऐसे ऐसे, दूसरा पार्टिकल इस पे कर रहा था बेटा ऑसिलेट, बोलो, है ना। जब दोनों मोशन सुपर इम्पोज हुए, जब ये दोनों मोशन बेटा सुपर इम्पोज हुए, तो कैसा मोशन हो गया देखो, जो रिजल्टेंट मोशन है बेटा ये ऐसा हो गया देखो, है ना। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा बेटा ए वन और ये हमारा ए टू, तो इसका कितना वाइन बताओ, कितना एम्पलीट्यूड है इसका, अंडर रूट ए वन प्लस ए टू को, वो सर रिजल्टेंट सर अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। अब देखो केस टू, यहाँ बोलेंगे बेटा इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये था बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब देखो केस टू बेटा, मैंने मान लिया इनिशियल फेज पाई बाई टू, है ना। अगर इनिशियल फेज पाई बाई टू है तो कितना हो गया बेटा, एक्स इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल टू ए टू कॉस ओमेगा टी। कुछ फायदा हो सकता है क्या ऐसे करने में, कुछ कॉमन होगा क्या, नहीं ना बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा बेटा। लेकिन एक बात दिख रही है खास, क्या देखो तो, ये दिख रहा है बच्चा, यस सर, बोलो, यस सर, ये क्या हो गया, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉपर्टी लूज कर दिया बेटा, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही नहीं। अब ये कौन सा पाथ है, एलिप्टिकल पाथ में ओसिलेट कर रहा है बेटा, ये तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन हो गया। अब तो ये ओसिलेशन रहा ही नहीं, ओसिलेशन नहीं रहा, है ना बेटा, ठीक है, लिख लो इसको, नोट कर लो।
गया सर. हो गया सर. अब देखा जाए बेटा, केस में फेज इक्वल टू पाई. अब केस थ्री बनाओ. अब फेज पाई के साथ करो तो क्या आता है बताओ सर मुझे. केस थ्री खुद से करो और फाई इक्वल टू पाई लो. कौन सा वाला सर, दोबारा करें सर? दोबारा नहीं, केस थर्ड. अच्छा सर, उसमें फेज डिफरेंस पाई लेके चलो. ओके सर. सर बोलो. सर आजकल लेक्चर डालोगे यूट्यूब पे? तुम क्लास ले लिया, क्या करना डाल कर करना है? नहीं सर, ये डिस्कनेक्ट हो जा रहा बीच में, भी पिछले 10 मिनट बंद हो गया था अपने आप ही. अच्छा, कर दूंगा अपलोड. हो गया सर. सर क्या सर, वो इक्वेशन सर ए वन आई कैप माइनस ए टू जे कैप साइन ओमेगा टी. यस सर. चलो देखता हूँ मैं. अब बेटा केस थ्री में अगर ये पाई कर दिया जाए, है ना बेटा, तो ये हमारा होगा ओमेगा टी प्लस पाई जे कैप. बोलो बेटा. ठीक है, प्लस पाई करने से हो जाएगा माइनस ना बेटा, बोलो, है ना. जब ये हो जाएगा बच्चा हमारा माइनस, तो यहां भी हो जाएगा ए वन का पॉजिटिव और ए टू का नेगेटिव. बोलो बेटा, है ना. ए वन और पॉजिटिव का अपोजिट कैसे बन जाएगा, देखो, नेगेटिव स्लोप का बन जाएगा लाइन ना बेटा, ऐसा बन जाएगा. देखो ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. बोलो, समझे ना बेटा. तो नोट में एक पॉइंट लिख लो, सुपरपोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स इन सेम फ्रीक्वेंसी, इन सेम फ्रीक्वेंसी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज एस एच एम, है ना बेटा. ओनली इफ आइदर फेज डिफरेंस इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, और पाई. फेज डिफरेंस जीरो या पाई होगा बेटा तब तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, लेकिन कुछ और अगर होगा बेटा तो इलेप्टिकल पाथ ही होगा. समझ गए? सर एक बार ये डायग्राम फिर से बता दीजिए पाई में. ये क्या है बेटा, आर नॉट ए वन आई माइनस ए टू जे, है ना बेटा. यस सर. ए वन आई कैसे हुआ, ए वन आई ऐसे हुआ वेक्टर, और माइनस ए टू जे ऐसे वेक्टर हुआ. यस सर. तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा ना. यस सर. लिख लो. सर वन मिनट सर. एक मिनट. बनाओ तो.
सर हो गया सर इसे तो सर सिंपल सर वेक्टर फॉर्म में लिख के ऐड कर देंगे सर करो सर हो गया पाथ का बताना बेटा इक्वेशन अच्छा पाथ का इक्वेशन सर सुनिए छोटी हां बेटा बनाओ सर y इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर देखते हैं बच्चा देख बेटा हमें इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है इसका मतलब क्या बताना है x और y के बीच का इक्वेशन है बेटा तो देखो x का ऐसा इक्वेशन है y का ऐसा इक्वेशन है इसके लिए इस्तेमाल करो cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t बोल बेटा होगा यस सर अब देख बच्चा cos 2 ओमेगा t कितना हो गया बोलो y by 2 ना यस सर और 1 माइनस 2 sin square omega t ये हो गया बच्चा x square by a square है ना तो कितना हो गया देख बच्चा y equal to 2a minus 4x square by a हो गया equation इसका equation है बोलो parabola है ना बेटा parabolic path हो गया है तो yes sir है ना yes sir yes sir सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा क्या बेटा इसका डायग्राम एक बार बना के बता दीजिए बेटा पैराबोला तो नहीं बना था बेटा आता है ना माना तुमको पैराबोला नहीं, नहीं नहीं ये इसका तो? रिजल्टेंट का नहीं वो जो जो x और y है सर x और y का इक्वेशन अरे बेटा दोनों का देख बता x equal to a sin omega t का मतलब क्या हुआ कहां ऑसिलेट कर रहा है ये सर x एक्सिस पे ना यस सर x पे ए एम्पलीट्यूड इज क्या बेटा बोल ऐसे यस सर हां ना और y में कर रहा है तो ऐसे बोलो डबल एम्पलीट्यूड यस है ना इसका फेज भी क्या बेटा 2 ओमेगा है देखो यस सर डबल फ्रीक्वेंसी है बेटा है ना जब ये दोनों मोशन सुपरइंपोज हुए ये दोनों सुपरइंपोज हुए ठीक है तो देख बेटा ये हमारा कहां पे है x = 0 पुट करो y कितना है बोलो
टू है ना? यस सर। वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा बेटा? यहाँ मिलेगा, है ना? ठीक। अब देखो बेटा, जब इसका फेस हमारा, इसका फेस देखो पाई बाई टू होगा, मतलब कहाँ पहुंच गया? एक्सट्रीम में बेटा, बोलो। ठीक, अब बताओ जब ये वहां पहुंच गया है तो ये कहाँ पहुंच गया? वाई वाला। जब ये वन होगा बेटा तो ये कितना होगा, बोलो? जीरो। माइनस वन। माइनस वन, यस सर। इसका मतलब उस समय यहाँ पहुंच गया ये। इन दोनों पॉइंट का सुपर इम्पोज कर ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब ऐसा बन रहा है बेटा पाथ। यस सर। जा यू बन रहा है बच्चा ये पाथ। ठीक है, नोट कर ले बच्चों। सर SSM कितना बड़ा है और सर? क्या एक क्लास और लगेगा बेटा? डैम्पिंग, इसके बाद डैम्पिंग बचाना। बताओ क्या था होमवर्क? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, दिया हुआ था बेटा? अच्छा, 3 part 1 10 question। अच्छा, 3 part 1 10 question। बोलो बच्चा, 1 से 5 में कोई डाउट? अच्छा, 4 वाला समझा दीजिए। 4 में नहीं, 4 वाला देखो बेटा। 4 में कहता है कि रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल M डायमेंशंस A क्रॉस B इज हिंज्ड अलोंग वन एज। द प्लेट इज मेंटेन्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय कोलाइडिंग ए बॉल ऑफ मास। देख बेटा इसको ऐसे समझ, इस डायग्राम को यूं देख। मान लिया इसको अगर यहां से देखोगे बेटा तो प्लेट जो है एक रॉड टाइप दिखेगा बेटा, बोलो, जो कि ऐसे हिंज किया हुआ है ना? तो देख बेटा, इसके सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा ही आएगा, बोलो। तो अगर तुम चाहते हो बेटा कि ये प्लेट वर्टिकल में टंगा रहे
तो वर्टिकल में टंगा होने के लिए ऊपर कोई फोर्स देना पड़ेगा ना बेटा हमको, तो ऊपर में फोर्स देने का इंतजाम कैसे किया गया, तो कहा हमारे पास बहुत सारे बॉल्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं बहुत सारे, है ना बेटा, और इन बॉल्स को ऊपर भेज के कोलाइड करवाए इससे, तो इसके कोलाइड करने से फोर्स लगेगा बेटा बताओ? यस सर। अगर यूनिफॉर्मली कोलाइड करवाएंगे तो मिड पॉइंट पे फोर्स लगेगा यहाँ पे, बोलो yes, है ना, तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या कर दोगे, एम जी इंटू बी बाई टू इज इक्वल टू एफ इंटू कितना होगा, बी बाई टू प्लस बी बाई फोर, ये हो गया थ्री बी अपॉन फोर, बोलो बेटा होगा? Yes, है ना। अब मुझे निकालना है कि इतना फोर्स लगेगा, है ना बेटा, तो बताओ मुझे जब बॉल टकराएगा बच्चा, तो एक बॉल अगर टकराएगा, एक यार क्या कर दिया मैंने, हिट ही हो गया, एक मिनट यार, देखो मैंने कहा था बेटा कि सेंटर ऑफ मास से फोर्स आएगा हमारा mg, बोलो yes, sir. है ना, और इन बॉल के फोर्स लगने से यहाँ से फोर्स आएगा ऊपर, तो f into b by f into 3b by b upon 4 इधर हो जाएगा बेटा mg into b by 2 ना बेटा। अब बताओ एक बॉल m मास का अगर v स्पीड से इलास्टिकली टकराती है तो कितना मोमेंटम चेंज होगा, बोलो 2mb होगा ना, बोलो, है ना बेटा, है ना। और कहता है कि देखो बेटा पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितने बॉल टकरा रहे हैं, बोलो 100 बार, एक मीटर इसका एरिया में 100 बार टकरा है ना, इसका मतलब पूरे एरिया में कितने टकरा है, तो पूरा कितना एरिया है बेटा, a into b by 2 ना, बोलो yes, ab upon 2, कितने एरिया में टकरा है, कितने बॉल, 100 बॉल ना बच्चा, और क्या लिखा है देखो, पर सेकंड लिखा ना, यस सर, क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड को ही तो फोर्स बोलते हैं बेटा हम लोग, यस सर। अब इस फोर्स को यहाँ पुट कर लो आगे, और बोलो और तो 10 तक, आगे और क्या दिया था होमवर्क, एसएम में दिया था एबीसी पार्ट 1, एबीसी पार्ट 1, बोलो बेटा इसमें क्या दिया, एबीसी ना सेक्शन एबीसी निकालो, सेक्शन ए पार्ट 1 में, पार्ट 1 का सेक्शन ए कोई डाउट है? नो सर, नो सर, पार्ट 1 सेक्शन बी सर, आरबीडी की सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पूरी डिस्कस हो गई सर? नहीं 10 तक हुआ डिस्कस था, अच्छा अच्छा ठीक सर, सेक्शन बी में कोई डाउट? नो सर, सेक्शन सी सर, सी 4 में एक बार ये बता दीजिए कि मेन कहां होगा, एक्सट्रीम किस पोजीशन पे होगा इसमें? यस सर, इसमें कहता है बेटा एक मिनट देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम में कहता है बेटा, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक बना हुआ है ना, ब्लॉक बहुत बड़ा बना हुआ है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा लोकेट करने में, स्प्रिंग को लंबा कहते हैं, देख बेटा ये मान ले हमारा ब्लॉक है, ठीक है, तो बता बेटा इस ब्लॉक पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, है ना, तो जो मीन पोजीशन आएगा बेटा उस पोजीशन में आएगा जहां रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा ना, बोलो? यस सर, तो मीन तो यहाँ आएगा, बोल बेटा, yes, है ना, उस पोजीशन पे आएगा जहां इसका इलोंगेशन एक्स नॉट के एक्स नॉट बराबर एफ हो, बोलो? Yes, और फोर्स कहां से लगाया था? इनिशियली अनस्ट्रेच्ड,
यहाँ से हम फोर्स लगाना शुरू किए ना बेटा, और ये था नेचुरल लेंथ में, तो फोर्स लगाना शुरू किए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वेलोसिटी जीरो रही होगी इसकी. बोलो इसका मतलब यही क्या हो गया बताओ? एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन इसका मतलब x नॉट ही इसका एम्पलीट्यूड है. यस सर. यस सर. और टाइम पीरियड को तो किसी और बात से कोई मतलब ही नहीं होता. यस सर. बोलो समझ में आ गई? यस सर. अब कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी. बोलो बेटा मीन पोजीशन पे क्या होती है वेलोसिटी? ए ओमेगा. ए ओमेगा. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर ना बेटा. कहता है मीन पोजीशन से पास करेगा तो एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गई. मीन पोजीशन पे आएगा तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी बेटा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. यस सर. हमें को ऐड कर लेना. और बोलो सी सिक्स का ये सही. सी सिक्स देखते बेटा. सी सिक्स में कहता है स्प्रिंग मास सिस्टम इज शो इन द फिगर. इस फिगर में स्प्रिंग मास सिस्टम दिखाया हुआ है. सही बात. कहता है फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच स्प्रिंग. हर स्प्रिंग में स्प्रिंग एनर्जी कितना है बताना है बेटा. ठीक है. व्हेन द ब्लॉक इज एट मीन पोजीशन. बोल तो बेटा अगर मीन पोजीशन में है और सारा स्प्रिंग तो है ना बच्चा मासलेस. मासलेस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है ना. बोलो. ठीक है. तो क्या बोलेंगे बेटा? ये फोर्स जो है सब बराबर होना चाहिए. और ये फोर्स कितना होना चाहिए एम जी ने बेटा? एक के लिए 3x1, एक के लिए 2kx2 और दूसरे के लिए kx3. निकल जाएगा x1 x2 x3. यस सर. यस. तो तीनों स्प्रिंग की एनर्जी भी निकल जाएगी बच्चा. अब कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ओसिलेशन. इसके ओसिलेशन का टाइम पीरियड चाहिए. स्प्रिंग का कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज. 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 निकल गया. k इक्विवेलेंट कर लेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2/1/k इक्विवेलेंट. यस सर. समझ गया बच्चा? जी सर. और बोलो. बस सर इतना ही दिया. C7 हो गया तो था ही नहीं. था ही नहीं सर. R2 में दिया था क्या अभी से? नहीं सर. चलो बच्चा आगे देख फिर होमवर्क. एक्सरसाइज 3 part 1 RBD 10 से 20 दे दूं? 15 दे दे सर. और SHM के लिए डी और इन एक्सरसाइज 1 part 2 ये पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों करते हैं. पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ABCD हो जाएगा? चलो करके आना बच्चों. सर सर ये बताइए सर ये MMT क्या सर पूरे सर इंडिया में होता है सर? हाँ सारे सेंटर्स को होते हैं एक साथ सर. JD02 के जितने भी बच्चे होंगे सारे सेंटर्स में वो JD02 के नहीं JD के रिपीटर बैच के जी पी फेज के P phase में समझते हैं ना 12th phase. Yes sir. P phase, F phase, R phase, D phase सारे बच्चे देंगे. तो सर इसमें rank भी फिर उसी हिसाब से मिलेगी? सर उन लोगों का सर syllabus अलग है सर. JD01 और हम लोगों का सर अलग. कहाँ syllabus दोनों का है? सेम ही तो बताया मुझे. अलग है. उन लोगों में सर ज्यादा दिया हुआ है सर. कोर्स प्लानर में देखा था सर हमने. हाँ तो सर उनके में सर ज्यादा दिया हुआ था सर टेस्ट के सिलेबस में. अब पता नहीं बेटा मैं तो पिछले ऑफिस में यही कहा कि सबका सेम होगा सिलेबस. तो इसमें ऑल इंडिया रैंक मिलती है क्या फिर? मतलब अगर सब बच्चों का एक साथ होता है तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है सर. 3 है सर अब तो सर एक साथ सर 24 को 27 को 29 को है. हां जितना प्रिपेयर होता समझो जितना प्रिपेयर तुम्हारा है उतने का टेस्ट है. अपने आप को खुद ही आंको जितना पढ़े हो बेटा उसी का टेस्ट माना जाएगा ना. और क्या सर जितने तुम सिलेबस पढ़ चुके हो तुम मानो कि उतना ही तुम्हारे लिए 100% है. उसे बेस्ट परफॉर्म करो.
ओके ओके सर चल बच्चा सर, क्लास भी है सर 24 को तो क्या क्लास भी है 24 को मेरी क्लास तो नहीं 24 को मेरी क्लास तो नहीं है बच्चा मैं तो रहूंगा ट्रेन में उस समय चलो ठीक है सर बाय सर बाय सर